अगर आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हो, थीम अच्छी लग रही हो, फॉर्मूले के हिसाब से मैंने काम किया है अपनी थीम पे, तो आप प्लीज इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थोड़े से उस पर काम करेंगे। देखिए पॉलिनोमियल, पॉली मने मैनी एंड नोमियल मने आपका टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, सारी डेफिनेशन, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल, व्हाट इज डिग्री आपका, व्हाट इज कॉन्स्टेंट, सारा क्लियर हमने पहले से किया हुआ है। अब सवाल कैसे करना है, इफ एनी क्वेश्चन इज गिवन, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप बना देखो, तो सी द नंबर ऑफ टर्म्स, पहले आप उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, उसके बाद आप इसमें आपका पावर्स को देखिए, देखिए इसमें आप, फिर आप देखिए क्या कॉमन है आपका, देखो ना, और फिर आप ये देखिए कि फॉर्मूला आप कौन सा यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप किसी को कहेंगे तो वो आपका बिल्कुल इससे ढूंढेगा। लेकिन मैं पहले क्या कहूंगा आपको कि सबसे पहले एनी क्वेश्चन, जब आप कोई सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, तो सबसे पहले सी, ये ए, ए मैंने लिख दिया सी द कॉमन, आप कॉमन देखें, सबसे पहले कॉमन देखें, कॉमन देखें, बाइनोमियल देखें, ट्राइनोमियल देखें, वो बात की बात है, लेकिन कॉमन देखें आप पहले ना, अगर वो चाहे वो ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, कोई भी सवाल, लेकिन कॉमन पहले आप देख लीजिएगा उससे, क्योंकि जब आप कॉमन निकालेंगे तो वो सवाल आपका थोड़ा सा करने के लिए आपको इजियर हो जाएगा आपका दिन। तो ना अगर आपको लगता है कि इफ यस कॉमन अगर है तो नाउ टेक इट, इसको आप ले लीजिए आपका नाम देखो कॉमन, ये आपको मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं, अगर कॉमन है तो टेक इट, इसको ले लीजिएगा आपका नाम। तो जैसे अब इसका देखो मैं आपको एग्जांपल यहां पे थ्रो कर दे रहा हूं इसी का, अगर आपके पास कॉमन है तो आप इसको कैसे सवाल को आप करेंगे, देखिए जैसे आपका 2abc माइनस 4abx और नाउ प्लस 2abd, ये सवाल है आपका। देखो तो मैंने सॉल्यूशन जब किया तो देखो मैंने पहले इसको एज इट इज इसको उतारा ना, देखिए अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका देखो वैसे तो ये आपका ट्राइनोमियल है आपका नाम, ट्राइनोमियल का मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स ये आपका देखो ये 3 है, इसलिए मैंने इसको ट्राइनोमियल कहा। तो आप इसमें देखिए पहले कोई भी क्वेश्चन दिया है आपको उसको इजी करने के लिए पहले कॉमन देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि सारे सवालों में कॉमन आएगा, लेकिन पहले लिखा आपकी कॉमन, अगर कॉमन है इफ यस टेक इट, उसका एग्जांपल मैं आपका दिखा रहा हूं आपको, देखो ना तो इसमें आपका देखिए अब ये 2 2 2 2, क्योंकि सारे आपका पावर 2 की मल्टीपल टेबल ए बी ए बी ए बी, ये आपका देखो 2ab आपका देखो ये कॉमन हो गया, तो इस पे बेस आपका बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, कुछ भी पावर वाले सवाल भी हो सकते हैं। तो देखो 2ab आपने देखो ये कॉमन किया, 2ab आपने कॉमन ले लिया, जब ये ऑलरेडी आपका बाहर हो गया तो आपके पास सी फर्स्ट टर्म बचा, ये माइनस आपने यहां पे ले लिया, 2 2 4 होता है तो 4 में से 2 आपका ऑलरेडी टेकन आउट एंड ए बी इज आउट, सो नाउ द बैलेंस अमाउंट इज आपका देखो x, एंड फ्रॉम द थर्ड टर्म 2ab इज ऑलरेडी आउट, सो नाउ द थर्ड टर्म बैलेंस इज आपका, तो ये आपका देखो एक। अगर आपको इफ यस की कंडीशन में है आपका टेक इट, और अगर आपका नो आता है नो तो आपका देखो ये, फिर गो फॉर नेक्स्ट, ये देखिए गो फॉर नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब यहां पे अब आप आएंगे ये पेयर या ग्रुप के लिए आप आएंगे। देखो अभी मैं फिर एक एक सवाल आपको एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं, आपका नाम देखो ये ग्रुपिंग बना करके आपका नाम देखो दोस्तों ग्रुप। अगर आपको किसी सवाल में लगता है आपका देखो ना, फिर ये तो ए का मैंने एग्जांपल दिया, देखो ए का फर्स्ट का अब मेरे को नहीं मिला, कॉमन नहीं मिला, तो मैं फिर क्या देखूं, गो फॉर नेक्स्ट का मतलब पेयर या ग्रुप देखूंगा मैं आपका। नाउ इफ यस, अगर आपको लगता है कि इसमें ग्रुप बनता है तो आपका नाम मेक इट, इसको बना लीजिए, और ग्रुप बनने के बाद भी आपका नाम देखो सी टेकिंग कॉमन, हो सकता है कि इसमें आपका देखो फिर आपका कॉमन आप ले सकते हैं यहां करोगे,
इसका मतलब देखो बी का आपका, अब देखो फर्स्ट ये अगर मुझे कोई ग्रुप दिखाई देता है तो सुटेबल ग्रुप दिखता है तो मैं देखो उसके हिसाब से भी इसमें सवाल करूंगा आपका नाम देखो देख सकते। तो ये हो गया सर, जैसे ये वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए मैं अकॉर्डिंग टू इन्हीं के काम कर रहा हूं देखिएगा। तो नाउ जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा देखिए, तो नाउ सॉल्यूशन में मैं वन प्लस, अब यहां पे पहले मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं आपका देखो ना ये, अब ये यहां पे फॉर मेकिंग सुटेबल ग्रुप, ये सुटेबल ग्रुप के लिए मैं इसको राइटिंग इन सीक्वेंस लिखूंगा, राइटिंग इन सीक्वेंस। तो ये वन प्लस देखो मैंने ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, नाउ देखो ए स्क्वायर, अब पहले मैं बी स्क्वायर को लिखूंगा देखो ना, ये लिखना ऐसे है कि जब आप कॉमन लें तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपका ना, क्योंकि जो फर्स्ट बाइनोमियल आएगा वही आपका सेकंड बाइनोमियल भी आना चाहिए। तो ना देखो ये मेकिंग अ ग्रुप ऑफ टू, तो ये देखो ग्रुप ये बनाया और ग्रुप के बाद आपका देखो यस मेक इट देन टेकिंग कॉमन आपका देखो, तो ये इन दोनों में वन कॉमन है देखिए, तो ना वन प्लस आपका देखो ए स्क्वायर आ गया और इन दोनों में आपका देखो बी स्क्वायर कॉमन है, दोनों का ग्रुप बनाया है, तो जब बी स्क्वायर यहां आ गया तो वन यहां बचा, बी स्क्वायर यहां आ गया तो ए स्क्वायर यहां बचा देखो ए, और फिर सी फॉर कॉमन ये देखो ए सी फॉर कॉमन, तो वन प्लस ए स्क्वायर और वन प्लस बी स्क्वायर आपका देखना। तो आपको कोई भी सवाल होगा सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे, कॉमन देखेंगे तो देखो आपका ऐसे करेंगे और कॉमन नहीं मिलेगा तो गो फॉर नेक्स्ट, इसके सेकंड के लिए जाइए, सेकंड में आपको ग्रुप और पेयर बना करके आपका ना दो। ये हो सकता है कि फोर टर्म्स का था ये आपका सिक्स टर्म्स का भी हो सकता है, कभी कभी ये फाइव टर्म्स का भी हो सकता है, उसमें ब्रेक भी करना पड़ सकता है कोई नंबर, ये याद रखिएगा। तो ये था आपका देखो ना, और निगेटिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेकर के, जैसे इसी में देखिए अगर ये निगेटिव का क्वेश्चन है आपका देखो इसी इसी में फर्स्ट का, इसी बी का आपका देखो फर्स्ट के लिए मैं जा रहा हूं, तो ना वन माइनस देखो सी स्क्वायर आपका ना प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए आपका ना। अब जब मैं सॉल्यूशन करूंगा देखो आपका इसका, तो वन माइनस सी स्क्वायर, अब मैं देखूंगा इसको कि चेक करूंगा कि कॉमन आता है नहीं आता, कॉमन तो कुछ चीज नहीं है तो मैं क्यों ये देखिए आपका ना जैसे ये ग्रुप ग्रुप जी फॉर ग्रुप और फिर उसके बाद कॉमन, तो वन इसमें कॉमन ले लीजिएगा वन माइनस सी स्क्वायर, द फर्स्ट बाइनोमियल इंट्रोड्यूस कमिंग निगेटिव, तो आपको ध्यान रखना कि पीछे वाला बाइनोमियल भी आपका निगेटिव आना चाहिए, तो ना ये बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लीजिएगा सर, ये वन माइनस सी स्क्वायर, तो ये देखो कॉमन आपका आ गया वन माइनस सी स्क्वायर, वन माइनस सी स्क्वायर इज अगेन कॉमन, द रेस्ट अमाउंट इज वन एंड नॉट प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए क्लियर है।